दोस्तों आपने YouTube पर काफी सारी ऐसी वीडियोस देखी होगी जिनमें लोग बता रहे होते हैं कि भैया आपको 30,000 पर मंथ कैसे अर्न करना है, 50,000 पर मंथ कैसे, या फिर 1,00,000 रुपए पर मंथ कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन और उसमें कुछ गलत नहीं, वो सभी चीजें मोस्ट ऑफ चीजें सच्ची होती है। इन शॉर्ट मैंने खुद की मेरे चैनल पर ऐसी वीडियोस बनाकर रखी है जिनमें मैंने जेन्युइन वेज को बताया। बट आप अगर पहले 5-7 हजार ही नहीं अर्न कर पा रहे तो आप 50,000-30,000 कैसे अर्न करेंगे। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, स्किप मत करना, वीडियो कंप्लीटली देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू मेक योर फर्स्ट 5,000 रुपीज ऑनलाइन इनकम इन 2023। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिजिटल वैज्ञानिक यूट्यूब चैनल वेर वी टॉक अबाउट साइंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। माय नेम इज मानवेंद्र चौधरी एंड आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप कैसे पहले 5,000 रुपीज ऑनलाइन इनकम के थ्रू कैसे कमा सकते हैं। तो ये सभी चीजें डिस्कस करेंगे। इसमें आपको सबसे पहला एक्टिव इनकम है। एक्टिव इनकम क्या होती है? जिसमें आपने काम किया और तुरंत आपको पैसे मिल गए। एंड सेकंड वन इज पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम किसे कहते हैं? जिसमें आपने एक बार काम किया, अब वो धीरे धीरे, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा धीरे धीरे, बट आपका एक बार काम किया वो आप छोड़ देंगे और वो टाइम टू टाइम आपको पैसे रिकरिंग बेस पे कमा कर देता रहेगा। यानी कि मैंने एक बार कोई वीडियो बनाई वो लॉन्ग टर्म तक मेरे लिए पैसे कमा कर देता रहेगा, बट वो इंस्टेंट नहीं होता है, ये टाइम के साथ ग्रो करता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले एक्टिव इनकम के बारे में। अब एक्टिव इनकम में मैंने काफी सारी चीजों को यहाँ पर मेंशन करके रखा है। हो सकता है कुछ चीजें आप कर पाए, हो सकता है कुछ चीजें आप ना भी कर पाए, तो सभी के सभी को देख लेना एक बार, कोई ना कोई तो आप इनमें से कर ही लेंगे। सबसे पहला राइड शेयरिंग। यहाँ आपने शायद रैपिडो का नाम सुना होगा, ओला, उबर, इन सभी का नाम सुना होगा। बट अगर आपके पास एक बाइक है, एक एक्टिवा है यानी कि स्कूटर है, तो उसमें आप राइड शेयरिंग कर सकते हैं। जिसमें मेरा जो नाम सुना है सबसे ज्यादा फेमस इन इस नीश में जो बाइक शेयरिंग वाला है, उसमें रैपिडो, आप रैपिडो में अपना अकाउंट बना सकते हैं। देन आप उसकी जो एप्लीकेशन होती है वहां पर अगर किसी को राइड चाहिए, कोई उसमें जो राइड बुक करते हैं, आपको वहां पर नोटिफिकेशन आ जाएगी एंड देन आप उन्हें पिकअप करके ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर उनका कुछ चार्जेस रहता है, वो मुझे आइडिया नहीं है क्या क्या चार्जेस है, बट आप इसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वहां पर सभी चीजें चेकआउट कर पाएंगे। इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, आप इसे पार्ट टाइम कर सकते हैं, या फिर अगर आप बेरोजगार हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं स्कूल में कॉलेज में, तब भी आप इसे एज अ पार्ट टाइम जॉब इसे ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको फर्स्ट 5,000 रुपीज ऑनलाइन अर्न करना है, नो मैटर व्हाट, आप कहीं से भी करें, आपको मतलब कोई गलत काम नहीं करना है, अच्छा काम करके अर्न करना है। देन राइट शेयरिंग के बाद जो दूसरा है वो है फूड डिलीवरी। आपने 100% यहाँ पर स्विगी एंड जोमेटो का नाम सुना होगा, तो आप यहाँ पर स्विगी जोमेटो के साथ पार्टनर बनकर उनका जो फूड डिलीवरी का काम ये भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको इंस्टेंट मनी होती है, आपने काम किया आपका जो बैलेंस वहां पर बता देगा आपने भाई कितने रुपीस अर्न किया, एंड देन आपका जो मैंने खुद ने किया नहीं, तो मंथली आता है कि वीकली आता है वो मुझे नहीं पता, बट इसमें आपका इंस्टेंट आपने काम किया और आपके पैसे आपको मिल जाते हैं। तो ये हो गया। और अगर आपको राइड शेयरिंग या फिर जो फूड डिलीवरी में इन सब में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा बहुत कुछ जो भी रीजन है, तो नेक्स्ट काम आप कर सकते हैं वो है सेलिंग का। अब सेलिंग में क्या, आपने कोई चीज पुरानी मान लो परचेस करी एंड उसको उससे ज्यादा भाव में दूसरी जगह बेच दी, आप इसी के इसे ही आप अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इसमें आप OLX एंड क्विकर के ऊपर कर सकते हैं। यानी कि मान लो आपके घर में कोई सामान पड़ा है, या फिर आपके किसी फ्रेंड का या फिर किसी और ने आपको कोई सामान सस्ते में आपने ले लिया किसी से, उसे आप ज्यादा प्राइस में आप OLX एंड क्विकर के ऊपर लिस्ट कर दीजिए, उसमें आप सेल कर पाएंगे। वैसे अगर आपने सुना होगा हमारे गुजरात में उन्हें कहते हैं भंगार वाले, मतलब वो पुराना सामान घरों से लेते हैं और देन उसे ज्यादा प्राइस में बेचते हैं। जैसे कि उनने कोई सामान 200 रुपए में लिया है, जो आगे जाकर वो 700-800 हजार रुपए में बेचेंगे, ऐसा बहुत ज्यादा होता है। तो ये सेम चीज को आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आपकी इच्छा, आपको करना नहीं करना। और अगर आपको इसमें कोई हेजिटेशन हो रही है कि सामान ले बेच करने में, तो अब इसका एक अपग्रेडेड वर्जन भी आ चुका है जिसका नाम है रीसेलिंग। अब रीसेलिंग क्या होता है कि आपको कोई पुराना सामान कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ऑनलाइन कोई सामान है वो बेच रहा है, आपको सिर्फ उस सामान को प्रमोट करना है। यानी कि जैसे क्लोथ्स हैं, कोई ईयरबड्स है, कोई क्लोक जो क्या कहते हैं घड़ी, स्मार्ट वॉच, जो भी है, हेयर ड्रायर, जो भी, इन शॉर्ट जो भी ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट पर सामान है, उसे आप सिर्फ अपने सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप कहीं पर भी प्रमोट कर सकते हैं। मान लो उस सेलर ने वो सामान जो है 100 रुपए का लिस्ट करके रखा है और आपको किसी ने बोला कि हाँ मुझे भाई मुझे ये सामान, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, कितने रुपए का दे रहे हो, आप उसे कह दो 200 रुपए का है। अब चाहे कैश ऑन डिलीवरी करवाएं या फिर आप एडवांस में उससे ऑनलाइन पेमेंट ले लें, आपका जब वो डिलीवरी बॉय वहां पर जाएगा उसका बिल भी 200 रुपए का जाएगा। यानी कि उस बंदे को पता ही नहीं चलेगा एक्चुअली में कितने रुपए का था और आपने रीसेलिंग करी। तो ये कुछ इस तरह से काम कर सकता है। अब यहाँ पर दो ही सबसे ज्यादा फेमस जो है रीसेलिंग ऐप्स है, उसका नाम सबसे पहले मीशो एंड सेकंड वन इज ग्लोरो, जिन दोनों को मैंने पर्सनली यूज किया, पर्सनली अर्न किया है मेरे स्टार्टिंग डेज में, जब मैं डिजिटल मार्केटिंग में नहीं था, मतलब मैं शायद कॉलेज के कुछ फर्स्ट ईयर या फिर आई थिंक सेकंड ईयर में था, तब मैंने ये काम करके अर्निंग अच्छी खासी करी थी। और मैंने इस चीज को आई थिंक किसी और वीडियो में भी कर करके रखा है, जिसमें मैंने कुछ यहाँ पर अर्निंग करी थी, वो मैंने बताकर भी रखा है शायद से, तो आप देख लेना। अब रीसेलिंग के बाद एक और चीज है जिसमें आप अगर किसी चीज में मास्टर हो, कोई चीज आप सेल कर सकते हो, अपनी सर्विसेज आप कुछ सेल कर सकते हो किसी को कन्विंस करने में एक्सपर्ट हो, तो ये स्किल आपके लिए है, वो है फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग क्या होती है, जैसे कि मान लो आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग की नॉलेज है,
आप ग्राफिक डिजाइन कर सकते हो, आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, आप वेबसाइट बना सकते हो, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल कहीं पर भी एड्स रन कर सकते हो, या फिर आप किसी और तरह का काम कर सकते हो। ये सेम चीज आप किसी बिजनेस ओनर को पिच करके उन्हें सेल कर सकते हो। तो ये फ्रीलांसिंग आपके लिए है। अब फ्रीलांसिंग के लिए आपको कुछ क्लाइंट्स को लाना पड़ेगा, क्लाइंट आपको रीच आउट करें या फिर आप क्लाइंट को रीच आउट करें, दोनों ही केसेस में वो क्लाइंट आप जो भी आपको काम करने बोलेगा वो काम आपको क्लाइंट को डिलीवर करना है। बदले में क्लाइंट आपको जो आपका प्राइस होगा वो देगा, चाहे मंथली हो चाहे काम के ऊपर हो, कितना काम करोगे वो भी, जो भी इन शॉर्ट जो भी आपका पर्सनल पेमेंट टर्म्स है उसमें आपको क्या है कि क्लाइंट ढूंढने पड़ेंगे। अब क्लाइंट कहाँ मिलेंगे? सबसे पहला तरीका है फाइंड योर लोकल क्लाइंट, यानी कि आपके आसपास जो भी बिजनेसेस हैं, कोई दुकान है, कोई डेंटिस्ट का क्लिनिक है, कोई डॉक्टर का क्लिनिक है, या फिर कोई इन शॉर्ट किसी भी तरह का बिजनेस है, आप उन्हें हेल्प कर सकते हो उनकी मार्केटिंग में, उनके वेबसाइट में, उनके ग्राफिक डिजाइन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन शॉर्ट किसी भी तरह से आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं। तो आप उन्हें रीच आउट कर सकते हैं लोकल क्लाइंट को। देन आप सोशल मीडिया पर भी क्लाइंट को रीच आउट करके उन्हें अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। बट इस लोकल बिजनेस और सोशल मीडिया वाले में क्या है कि आपको बहुत सारे लोग को रीच आउट करेंगे, उसके बाद आपको कोई क्लाइंट बोलेगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, फिर आपको आपको पता नहीं कि वो चीज वो इंसान आपकी सर्विसेज में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं। तो अगर आप ऐसी जगह का तलाश कर रहे हैं जिसमें 100% बंदा आपकी सर्विसेज में इंटरेस्टेड हो, तो आप चेकआउट कर सकते हैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स को, जिसमें है फाइवर, अपवर्क एंड फ्रीलांसर, जिसमें आप इनकी वेबसाइट पे आपको अकाउंट बनाना है और वहां पर आप मान लो आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, तो वहां पर बहुत सारे लोग ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो आप उन्हें बिड करते हैं, यानी कि हम इतने रुपए में आपका काम कर देंगे। फाइवर में क्लाइंट आपको खुद रीच आउट करेगा, अपवर्क एंड फ्रीलांसर में आपको क्लाइंट को रीच आउट करना है। तो ये सब इस तरह से काम करता है। आप चाहे तो इसके बारे में और भी ऑनलाइन वीडियोस पड़ी हुए उन्हें जाकर देखिए और अपना अकाउंट क्रिएट करके यहां से आप अर्निंग स्टार्ट कर पाएंगे। देन एक्टिव इनकम का हमारा सबसे लास्ट सोर्स है वो है बीकम और ट्यूटर। अब ट्यूटर चाहे आप ऑनलाइन ट्यूटर बने या फिर चाहे आप ऑफलाइन ट्यूटर बने, अब ऑफलाइन ट्यूटर में आप जो स्कूल के बच्चे हैं, जो कॉलेज के बच्चे, उन्हें आप पढ़ा सकते हैं, चाहे वो 10th 12th फिजिक्स इकोनॉमिक्स जो भी आप सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट हैं, आप उन्हें टीचिंग करके भी अर्निंग कर सकते हैं, इसमें आपको मंथली फीस आप ले पाएंगे। अगर आप सेम चीज को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोर्सेस क्रिएट कर पाएंगे। फिर कोर्सेस के लिए तो बहुत सारा भंडार यहाँ पर पड़ा हुआ है, चाहे आप स्कूल के लोगों को पढ़ाएं, कॉलेज के लोगों को पढ़ाएं, या फिर आप कोई स्किल्स भी सिखा सकते हैं, उसके लिए भी आप कोर्स क्रिएट करके यहाँ पर अर्निंग कर पाएंगे, जिसमें आपका जैसे ही कोई भी एक ही बंदा आपको कोर्स परचेस कर रहा है या फिर एक ही बंदा आपकी ट्यूशन क्लासेस में ज्वाइन कर रहा है तो उसमें आपको एक्टिव अर्निंग होगी। तो दोस्तों ये तो था आपका एक्टिव अर्निंग के तरीके जिसमें आपने काम किया आपको पैसे मिल गए। दूसरे तरीके हैं वो है पैसिव इनकम है, जिसमें क्या होता है जिसमें आपने काम किया वो काम धीरे धीरे ग्रो करेगा, जिसमें आपको जल्दी फटाफट पैसा नहीं मिलेंगे, मान लो 3 महीने 4 महीने 1 साल बाद आपको पैसे मिलेंगे, बट आपने जो भी काम किया है उसमें लॉन्ग टर्म तक पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक बार काम किया एक बार पैसे मिले बात खत्म। अब जैसे यहाँ पर हम सबके तरीके के बारे में बात कर ले तो अभी आपको समझ में आए कैसे ये सब काम करते हैं। सबसे पहला है और एक मिनट, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, अगर आपको पसंद आ रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो फटाफट सबसे पहले लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप हमारे आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना कर सके। और अगर आप हमसे गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इन शॉर्ट डिजिटल मार्केटिंग की हर तरह की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत सी बातें, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। स्टार्ट और यूट्यूब चैनल, जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ, मेरे वीडियोस लोग देखते हैं, अब जितनी बार भी लोग वीडियो देखते हैं उस पर एड चलती होगी, शायद आपको भी कोई एड दिखी होगी, उस एड का मेरे को पैसा मिलता है, जिसे हम बोलते हैं एडसेंस, यानी कि आपकी चैनल को एडसेंस के थ्रू वेरीफाई करना पड़ेगा, उससे आपकी एड चलेगी और आपकी अर्निंग होगी। सेकंड वन इज अफिलिएट मार्केटिंग। अगर मैं कोई प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूं तो उस प्रोडक्ट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देकर रखी होती है, और अगर आप उस प्रोडक्ट को उस लिंक से जाके परचेस करेंगे तो उस प्रोडक्ट की जो सेल में जो कमीशन बनती है वो मुझे यहां पर मिलेगी, चाहे वो ऑनलाइन प्रोडक्ट हो या फिर अमेजोन के ऊपर कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो, हर तरह के प्रोडक्ट के ऊपर आप अफिलिएट मार्केटिंग कर पाएंगे। और मैंने एक बार वीडियो बनाया कि भाई बेस्ट स्मार्टफोन अंदर 10,000, एक बार मैंने वीडियो बनाई। अब वो ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी वीडियो देखेगा या फिर एक महीने तक ही वीडियो रहेगी उसके बाद डिलीट हो जाएगी, वो वीडियो मेरे चैनल पर लाइफ टाइम रहने वाली और लाइफ टाइम वीडियो पर व्यूज आने वाले हैं, और जितनी बार भी कोई उस वीडियो को देखेगा उतनी बार उस पर एड्स चलेगी, उतनी बार मेरी अर्निंग होगी, और जितनी बार भी उस लिंक पर कोई क्लिक करके कुछ परचेस करेगा उतनी बार मुझे कमीशन वहां पर मिलेगी। इसे कहते हैं पैसिव इनकम। एक स्मॉल आइडिया मैंने आपको दे दिया है। देन आप यहां पर यूट्यूब चैनल पर आप स्पॉन्सरशिप भी ले सकते हो। देन सेकंड वो है क्रिएट अ कोर्स। अब जैसे कि मैंने इस सेम चीज को यहां पर मेंशन किया था, वो एज अ ट्यूशन के मामले में था, जैसे कि आपने किसी स्टूडेंट को एनरोल किया, आपने ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन किया, जनरली ऑफलाइन केसेस में यहां पर बता रहा हूं, ये मैंने यहां पर कोर्सेज के बारे में ऑलरेडी कवर कर दिया, बट अगेन मैं यहां पर कवर करना चाहूंगा। जैसे कि आपने मान लो कोई कोर्स क्रिएट किया, अब कोर्स आप कहां पर क्रिएट कर सकते हो? सबसे पहला आप यूडेमी के ऊपर होस्ट कर सकते हो अपना कोर्स। सेकंड आप अपने कोर्स को रिकॉर्ड करके एडिट करके अपने गूगल ड्राइव पर अपलोड कर सकते हो, जैसे कि आपके स्टूडेंट के पास आपके पास पेमेंट आई आप उसे लिंक शेयर कर दो, फिर वो डाउनलोड करके उसे देख पाएगा। ये थोड़ा सा कम सिक्योर होता है कि इसमें जो प्राइवेसी की चांसेस बहुत ज्यादा, क्या प्राइवेसी होती है,
देन अपनी ओन वेबसाइट के ऊपर आप इस कोर्स को सेल कर सकते हो। आप वीडियो को यूट्यूब के ऊपर होस्ट कर दो एंड वेबसाइट को इस तरह से सेटअप करो जैसे कि वो एक कोर्स वेबसाइट की तरह दिखे। और अगर आप एक वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट होस्टिंग के बारे में मैं बताना चाहूंगा जिसका नाम है होस्टिंगर की होस्टिंग। अब होस्टिंगर की होस्टिंग मेरी खुद की पर्सनल फेवरेट होस्टिंग है और मैं इस होस्टिंग को पर्सनली भी यूज करता हूं जिसमें आपको काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में ये होस्टिंग मिल जाती है। तो अगर आप इस होस्टिंग को परचेज करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक देकर रखी है, वहां से जाकर आप इस होस्टिंग को चेकआउट कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हमारा जो टीचेबल है, अब टीचेबल भी सेम आप समझ सकते हैं जो यूडेमी की तरह, इसमें भी आप अपने कोर्स को होस्ट करके यहाँ पर सेल कर सकते हैं। ये तो हमारा कंप्लीट हुआ क्रिएट अ कोर्स यानी कि कोर्स। देन आपकी इसमें अर्निंग किस तरह से, पैसिव अर्निंग किस तरह से होगी। मान लो मैंने यहाँ पर कोई कोर्स बनाया जो कि सच बात है मैंने फेसबुक एड्स लीड जेन निंजा कोर्स एक कोर्स बनाया हुआ है जो कि फेसबुक एड्स के अंदर लीड्स कैसे जनरेट करनी है उसके बारे में बताता है। कंप्लीटली लीड जनरेशन के आसपास है वो कोर्स। उसके बारे में कोई सेल्स एड, किसी तरह की ब्रांड अवेयरनेस एड, किसी भी तरह की एड के बारे में मैंने कवर नहीं किया, सिर्फ लीड जनरेशन कवर किया मैंने। तो उस कोर्स को मैंने जाकर यूडेमी के ऊपर जाकर अपलोड कर दिया। अब उस कोर्स को भविष्य में जाकर जितने भी बार उसको परचेज किया जाएगा उतनी ही बार मेरी अर्निंग होगी। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है यानी कि ये मुझे लॉन्ग टर्म तक अर्निंग करके देने वाला है। देन पैसिव इनकम में आप अगेन राइट अ बुक यानी कि आप एक कोई बुक लिख सकते हैं, उसे आप चाहे तो फिजिकल बुक हो सकती है, आप चाहे तो डिजिटल बुक भी हो सकती है जिसे आप अमेजोन के ऊपर सेल करते हैं। जितनी बार भी वो सेल होगी उतनी ही बार आपको यहाँ पर अर्निंग होगी। देन आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि यूट्यूब के थ्रू भी अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, ब्लॉग के थ्रू भी अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं जो कि मैंने अगेन बताया कि ब्लॉग के थ्रू अफिलिएट मार्केटिंग एडसेंस कई तरह के तरह से आप अर्निंग कर पाएंगे। जिसमें आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ दो रास्ते हैं। सबसे पहला ब्लॉगर, अब ब्लॉगर के थ्रू आप फ्री में अपनी ब्लॉग बना पाएंगे जिसमें आपको अगर चाहे तो फ्री का डोमेन नेम ले सकते हैं और अगर आप चाहे तो फ्री पेड डोमेन नेम भी ले सकते हैं जिसको हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन जैसे कि .com, .in और इस तरह का, और इसमें होस्टिंग को फ्री मिल जाती। बट अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल पर जाते हैं, सीरियस काम करना चाहते हैं तो आपको वर्डप्रेस के ऊपर मूव करना चाहिए। और वर्डप्रेस के लिए अगेन मैंने बताया कि सबसे बेस्ट होस्टिंग कौन सी है, उसका नाम है होस्टिंगर। होस्टिंगर की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे जाकर आप वहां से जाकर परचेज कर पाएंगे। तो दोस्तों बस यही था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपने लाइफ के फर्स्ट 5,000 रुपीज ऑनलाइन कैसे अर्न कर पाएंगे, जिसमें मैंने आपको दोनों ही तरीके शेयर करें। सबसे पहला एक्टिव इनकम जिसमें आपको इंस्टेंट मनी होती है, पैसिव इनकम जिसमें आपके धीरे धीरे करके टाइम लग के पैसा मिलता है पर ज्यादा मिलता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आप हमारे आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना कर सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।